वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्रिसमस रिलेटेड डेकोरेशन DIY शेयर करने वाली हूँ और ये DIY काफ़ी ज़्यादा इजी एंड क्यूट है और ये DIY हम वेस्ट मटेरियल से भी करने वाले हैं। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे मेरे पास एक पुराना वाला बल्ब था, उसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जेसो से इसको पूरी तरह से कवर कर दूंगी ताकि जो भी कलर्स है इसके ऊपर अच्छे से बैठे। एंड मैं यहाँ पे अभी पेंसिल के हेल्प से इसके ऊपर ड्राइंग ड्रॉ करी हूँ। तो ये मैं ड्रॉ करी हूँ हमारा सबका फेवरेट सांता क्लॉज। सो मैंने अभी इसको ड्रॉ कर दिया है एंड मैं अभी यहाँ पे इसको स्किन कलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड स्किन कलर के लिए मैंने यहाँ पे येलो में थोड़ा सा ऑरेंज एंड वाइट कलर मिक्स कर दिया है। सो उस बल्ब के शेप के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे इस ड्राइंग को सिलेक्ट किया है। आप चाहे तो आपका जो भी फेवरेट वाला कार्टून कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमारी क्रिसमस की थीम हम यहाँ पे ले रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे सांता क्लॉज को ड्रॉ किया है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है ना बल्ब का, यहाँ पे अभी मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये जो सांता क्लॉज की कैप रहती है ना उसका थोड़ा सा फील आ जाए। और ये जो आँखें है ना, इसमें मैं थोड़ा सा ब्लू कलर भी ऐड कर रही हूँ सो ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल भी दिखे। तो अभी हम इसको अच्छे से आउटलाइन कर रहे हैं और आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पे 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से आउटलाइन हो सके। तो जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वहाँ पे हम छोटे ब्रश का यूज़ करेंगे। सो इसमें लास्टली मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को ऐड कर रही हूँ एंड ये हमारा सांता क्लॉज वाला बल्ब बनके रेडी हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। सो अभी मैंने ये दूसरा बल्ब लिया है और इसका शेप थोड़ा सा अलग है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट तो जेसो को अप्लाई करी हूँ तो मुझे ये शेप है ना थोड़ा सा पेंगुइन जैसे लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेंगुइन को ड्रॉ कर रही हूँ। और ये हमारा पेंगुइन ड्रॉ करके रेडी हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक कलर देना है तो वहाँ पे मैं ये ब्लैक कलर अप्लाई करी हूँ और यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से उसको कवर कर दिया है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे मैं ये कैप जैसे दिखा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर को दे दिया है। और ये जो पैर है वहाँ पे हम येलो कलर अप्लाई कर रहे हैं, पर बाद में मुझे येलो कलर थोड़ा सा लाइट लगा था तो इसको मैंने बाद में चेंज कर दिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अभी ऑरेंज कलर से इसको कवर कर रही हूँ और इसके पैरों को भी मैंने ऑरेंज कलर दे दिया है। तो ये देखिए हमारा क्यूट सा प्यारा सा पेंगुइन भी बनके रेडी हो गया है। इसको हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इस रिबन एंड थ्रेड का यूज़ किया है। सो इस तरह से मैंने इसको टाई कर दिया है और आप इसको अच्छे से आपके क्रिसमस ट्री के ऊपर हैंग कर सकते हैं। सो सेकेंड मैंने यहाँ पे ये वुडन के स्पून्स लिए हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना हम इस वुडन स्पून को भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे अभी इसको पहले अच्छे से जेसो से पूरी तरह से कवर कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली इसके ऊपर कलर कर रही हूँ। तो ये हमारा फेवरेट वाला जो कैरेक्टर है जो कि है स्नोमैन, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये स्नोमैन की कैप मैंने यहाँ पे कलर कर दी है एंड इसकी प्यारी सी दो आंखें एंड उसकी जो स्माइल है वो डॉट वाली जो स्माइल है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सो इसका ये गाजर का शेप वाला नोज भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और मैं यहाँ पे अभी छोटे से रिबन में इसने टाई की हुई दिखा रही हूँ। आप चाहे तो रियल वे रिबन भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। कैप है ना वहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। तो इस ग्रीन कलर को हम यहाँ पे नीचे की तरफ भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि ये और भी ज्यादा अच्छा दिखे। सो अभी मैंने ये दूसरा वुडन का स्पून लिया है। सो इसको मैंने ऑलरेडी जेसो से कवर कर दिया है और अभी मैं इस पे ब्राउन कलर से कलर कर रही हूँ। सो इसको मैंने दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन से कवर कर दिया है और अभी मैं इसके ऊपर आंखें बना रही हूँ व्हाइट कलर की। और ये देखते ही आपको पता चला होगा कि ये है हमारा जिंजर ब्रेड मैन। अभी यहाँ पे भी मैं एक रिबन को ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो रियल वाली रिबन भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हो।
और लास्टली मैं यहाँ पे डायमंड के ये स्टिकर स्टिक कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारे दोनों भी स्पून्स बनके रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने इसको हैंग करने के लिए एक छोटा सा थ्रेड भी यहाँ पे टाई कर दिया है। तो आप चाहिए तो इसको हैंग कर सकते हो क्रिसमस ट्री के ऊपर, या फिर आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो ये हमारा प्यारा सा स्नोमैन एंड जिंजर ब्रेड मैन बन के रेडी हो गया है। तो अभी थर्ड जो हमारा DIY है वो हम यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक का यूज करके करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्राइंग ड्रॉ कर दिया है एंड इसके ऊपर अभी मैं ये जो स्टिक्स है ना आइसक्रीम के वो एक एक प्लेस करते जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो 5 स्टिक्स है ना उसको अच्छे से प्लेस कर दिया है और जो ऊपर के स्टिक्स है ना वो थोड़े से छोटे छोटे बनते जाएंगे। एंड ये देखिए इस तरीके से ये दिखने वाला है। सो अभी इनको एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक करने के लिए हम यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से स्टिक कर देंगे फेविकॉल के हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे ये 3 आइसक्रीम स्टिक को स्टिक कर दिया है। तो अभी हम इसको इस तरह से पलट देंगे और ये जो स्टिक्स है ना हम यहाँ पे इस तरह से लगाने वाले हैं। सो ब्राउन कलर से मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी और ये 2 स्टिक्स है ना इनको मैं व्हाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। इनको मैं इस तरह से स्टिक करूंगी एंड इसके ऊपर इस तरह से ये 2 स्टिक्स आने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना उसको मैंने कट कर दिया है एंड ये जो 2 स्टिक्स है ना उसको भी हम व्हाइट कलर ही अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो व्हाइट कलर के स्टिक्स है ना इनके ऊपर मैं रेड कलर के स्ट्राइप्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ये क्रिसमस वाला फील आए। तो यहाँ पे हमने जो भी कलर स्कीम ली है ना ये पूरी तरह से क्रिसमस से रिलेटेड ली है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये पॉम पॉम्स ले लिए हैं एंड इसको मैंने ऑलरेडी ये देखिए 3 पॉम पॉम्स मैंने लगा लिए हैं रेड कलर के। सो अगर आपके पास पॉम पॉम्स नहीं है तो आप चाहिए तो कलर पेपर्स लेके उसको सर्कल के शेप में कट करके भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इस डोर को स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको कट कर लिया है डोर के शेप में एंड इसको अभी हम फेविकॉल के हेल्प से अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो अभी मेरे पास ये एक स्टिक थी उसको भी मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है एंड यहाँ पे अभी मैंने ये छोटा सा पॉम पॉम और उसके बाद ये जो पेबल है ना उसको यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो आपके पास जो भी स्टिकर्स है जो भी आपके पास मटेरियल है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे एक रिबन को स्टिक कर दिया है ताकि हम इसको आराम से क्रिसमस ट्री के ऊपर हैंग कर सके। तो ये देखिए हमारे सारे के सारे क्रिसमस डेकोरेशन DIY बनके रेडी हो गए हैं और ये सारे काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और प्यारे लग रहे हैं। और इसमें से आपको कौन सा वाला DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड आपके फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।